चेहरा तेरा काला हो गया रे। तुम्हारा टमाटर इतना लाल है। Hey guys, good morning. Welcome back to our channel. सुबह के बज गए हैं, आई थिंक सुबह के नहीं दोपहर के बज रहे हैं 12। तो आज का जो ब्लॉग है थोड़ा लेट स्टार्ट कर रहा हूँ, बट एक्चुअली सडनली प्लान हुआ हमारे जो मैक्स के, आई थिंक मैंने आपको एक बार बहुत पहले वीडियो में मैंने बताया था कि हम कहीं ना कहीं प्लान करेंगे जाने का इनके साथ, इनके फैमिली के साथ। तो वो आज दिन आ गया है और आज हमने प्लान किया हुआ है जाने का कुछ ट्रिप पे। तो आई होप देख रहे हो कि मेरे बाल भी काफ़ी छोटे छोटे काट दिए कल, जैसे ही गोवा ट्रिप से आया तो बाल काफ़ी बड़े हो गए थे, तो हेयर कट भी लेना था। और मैं फ़ोन पर बात करते करते उसने हेयर ऐसे काट दिए जल्दीबाजी में, जैसा लग रहा काट दिया, बट ठीक है कोई नहीं, थोड़ा छोटा हो गया बट ठीक है। तो इसी हेयर कट के साथ अब वीडियो भी शूट करना पड़ेगा, तो चलते हैं आगे की सफर की ओर और मिलवाते हैं। नमस्ते आंटी। हेलो मैम। अरे तुम भी चल रहे हो क्या? ये नहीं जा रहा है? नहीं। अरे अरे अच्छा जा रहा। बाबू तुम कहाँ जा रहे हो? हम पता नहीं। सच में हमें भी नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं। हम लोग बस निकल चुके हैं, अब देखते हैं कहाँ जाते हैं। कहीं ना कहीं पहुँचेंगे जरूर। कहाँ पहुँचेंगे? लखनऊ। अरे आप हूँ लखनऊ में तो है भाई। बनारस जा रहे हैं ठीक है? वाराणसी पुलिस खड़ी है। तो पुलिस से क्या दिक्कत है? अरे पुलिस खड़ी है और अंदर सिक्योरिटी गार्ड बहुत सारे। सिक्योरिटी गार्ड भी खड़े हैं? वो तो हमारी सुरक्षा के लिए है। जब भी वायरस की है। हाँ। अरे वहाँ तो इतनी भीड़ होती है। इतनी भीड़ होती है? कहाँ पे इतनी भीड़ होती है? और कंडे कबाब में तो कुछ पोटी आ गई थी। पोटी आ गई थी? कहाँ पे पोटी आ गई थी? टुंडे कबाब में। अरे हम निकल गए हैं प्रयागराज की ओर, जो कि कुंडा भी पड़ेगा और कुंडा के जो जगह है वहाँ पे एक पड़ेगा अच्छा सा जगह है, वहाँ पे काफी सुंदर मंदिर है, काफी अच्छा मतलब, तो वहाँ चल के देखते हैं। हमने तो ऑलरेडी नेट पे देखा हुआ है, तो लाइव दर्शन आज करेंगे। अंकिता मैम तो काफी एक्साइटेड है, पूरा चश्मा उस्मा लगा के एकदम। एक्साइटेड हूँ, पहली बार जा रहे हैं। पहली बार जा रहे हैं? हाँ, वो मेरे साथ भी पहली बार जा रहे हैं, हालांकि हमने तो शादी ब्याह में गए हैं ऐसे, लेकिन कहीं ट्रिप पे पहली बार जा रहे हैं, लॉन्ग ट्रिप पे पहली बार जा रहे हैं, क्योंकि 3 दिन की छुट्टी ऐसे बर्बाद नहीं करने देना था। सबसे पहले दर्शन करेंगे आज मनगढ़ में। तो हमारा जो प्लान है 3 दिन का प्लान है और 3 से 4 दिन का, तो देखते हैं क्या क्या हम कवर करते हैं इन 3-4 दिन में। तो हमने कुछ चिप्स ले लिया। तुमने क्या लिया? स्प्राइट। अब तुम पीछे बैठ जाओगे? बहुत बढ़िया। खाली कोल्ड ड्रिंक मिली? ठीक है चलो। देख आई थिंक देखिए, अब आपको प्रयागराज अगर जाना है तो रोड पर काफी संभल के चलना होगा, क्योंकि यहाँ पे भी स्पीडोमीटर लग गया है गाड़ी की स्पीड चेक करने के लिए। और मेरी गाड़ी का जो स्पीड है मैं देखता हूँ 34, मतलब ठीक है। तो आप ध्यान रहे, तो आगे से आपको ध्यान रहे कि जब भी आप अगर प्रयागराज की साइड जा रहे हो तो अपनी गाड़ी का जो स्पीड है स्पीड लिमिट के अकॉर्डिंग ही रखें, क्योंकि आपका अगर स्पीड लिमिट के अकॉर्डिंग नहीं रहेगा तो चालान कट जाएगा, और चालान कटा तो भैया 3-4-5 हज़ार के नीचे नहीं होता है आई नो। तो इसके लिए सतर्कता जरूर बनाए रखें। तो हमारा पहला टोल निगोहा का टोल प्लाजा। तो फिलहाल अभी हम जगतपुर में हैं और थोड़ा सा सोच रहे हैं खीरा वरा खा लिया जाए, और 15 के 5 खीरे कितने एकदम सही है। चश्मा, अरे भैया तने आपका चश्मा देखे हैं, बड़ा धांसू चश्मा लिया है। ओ कड़वा है? कड़वा ये तो है। बाबू खीरा खाते नहीं है, नहीं खाते खीरा। बाबू बोलिए प्रयागराज।
तो आज जरा वो जो कहते हैं ना चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें वो भी तो बोल दो जरा एक बार बोल तो दो लाइक क्या लाइक को लाइक लाइक और सब्सक्राइब करिए क्या नहीं मम्मी तुम्हारी मम्मी पापा पे कैसे गुस्सा करती है बिल्ली की तरह बिल्ली की तरह अरे भाई नोज दिखा दो नोज चला हाँ ऐसे डरवाती है ऐसे ऐसे गुस्सा करके बहुत बढ़िया हाँ तो पूरा गांव की याद आ गई ऐसा लग रहा है पूरा गांव का व्यू लग रहा है मैं लग रहा हूँ नानी घर घूम रहा हूँ पेड़ वेड़ आम के पेड़ है तो फाइनली हम मनगढ़ में आ चुके हैं और ये भक्ति मंदिर जगत गुरु कृपालु चिकित्सालय और जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की जन्म स्थली में आपका स्वागत है तो हाँ पार्किंग लगाते हैं तो हम भक्ति धाम में प्रवेश कर चुके हैं काफी जबरदस्त ये मनगढ़ में मंदिर भक्ति धाम बना हुआ है और सो ये है अर्जुन जी का रथ जो कि श्री कृष्ण जी चला रहे हैं ये मतलब महाभारत की कुछ दृश्य को प्रदर्शित करता हुआ और गजब का व्यू लग रहा है यार भाई 3-4 अक्षरधाम जैसी फीलिंग आ रही नहीं बिल्कुल लग रहा है ऐसे अक्षरधाम में आ गए हूँ और ओ भाई साहब धीरे धीरे तो इसकी खूबसूरती बढ़ते जा रही है ओ ये देखिए ये आम भी हो रखा है टिकोरे भक्ति भवन ये पूरा बड़ा सा ग्राउंड है सेलिब्रेटिंग 100 इयर्स ऑफ सदगुरु कृपालु जी महाराज सब जगह इनकी बोर्ड लगी हुई है बेहतरीन सा नज़ारा है भाई इतने मतलब ये बेसिकली जो पड़ता है आपके प्रयागराज लखनऊ से प्रयागराज जाते हैं बीच में एक कुंडा जगह है जबकि वहाँ से ये टर्निंग पॉइंट है इसका मनगढ़ आने का कुंडा से 15-20 मिनट का रास्ता है भक्ति धाम आने का जूता घर भी है और निशुल्क पार्किंग भी है यहाँ पे सब सारी चीज़ मतलब आई थिंक मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट निःशुल्क ही है तो एक झोला मिल रहा है यहाँ पे और झोले में ही हम अपना सूट चप्पल जो भी है निकाल देंगे इधर जो है ये मंदिर का दर्शन जाएगा और इधर झांकी की दर्शन होगी तो फिलहाल अभी हम पहले मंदिर दर्शन होके आते हैं प्रेम मंदिर श्री वृंदावन धाम यहाँ भी मुझे जाना है वृंदावन मथुरा भी विजिट करेंगे जल्दी विजिट करेंगे ये मंदिर ये मतलब बहुत ही बेहतरीन है ऐसा लखनऊ के पास है हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था तो काफ़ी रिसर्च के बाद मुझे पता चला यहाँ पर भी एक पड़ता है यहाँ पर एक कैंटीन फैसिलिटी भी अवेलेबल है गुरुधाम भक्ति मंदिर ये फाइनली मंदिर भक्ति मंदिर राधे राधे में इतना काफ़ी अच्छा काफ़ी भीड़ है अवेलेबल मतलब काफ़ी लोग आए हुए हैं से मनगढ़ जगह पे वाओ जय राधा राधे दर्शन करते हैं मंदिर का आइए कान्हा जी को यशोदा जी डांटती हुई पिटाई करते हुए तुम्हारी पिटाई हो जाए ऐसे हैं कहाँ जा रहे हो पापा घोड़ा है बहुत बढ़िया मंदिर है और इस पे तो वहाँ पे काफ़ी साइलेंस रखना था इस वजह से कोई बातचीत नहीं और कोई वीडियोग्राफी नहीं अलाउ थी तो इस वजह से मैंने वीडियो भी नहीं बनाया और कोई बात भी नहीं दर्शन किया और सीधा बाहर आ गए तो आइए चलते हैं बाहर के दर्शन कराते हैं आपको जो जो दिखा सकते हैं मैं आपको दिखाऊंगा मतलब बढ़िया कैसा लगा मंदिर आपको बहुत ही बढ़िया बता दो कैसा लगा आपको अच्छा है बता रही है तो फिलहाल चलते हैं झांकी दर्शन करते हैं
यहाँ पे श्री कृष्ण जी की होली की जो बरसाना में होली खेली जाती है उसका ये शानदार दृश्य यहाँ पे प्रदर्शित किया गया हुआ है। दिया जा रहा है। क्या हुआ पैरों में? क्या, नीचे की नहीं चल रहा? जल रहे हैं पैर, जल रहे हैं इससे। बहुत खतरनाक है। नकली है, नकली है? ये क्या है, नकली है? नहीं असली है। अच्छा, तो फाइनली हमने पूरा मंदिर को कवर तो कर लिया है और मतलब थोड़ा सुकून अगर शांति चाहिए तो आप यहाँ आके आराम से थोड़ा सा घूम सकते हो, कुछ नया देख सकते हैं आप या यहाँ आके आपको ले गए। वैसे भीड़ है, इतने लोग काफी दूर दूर से लगता है, मुझे लगता है घूमने आते होंगे। आई थिंक ऐसा लग रहा है बॉस की दिखे ना, अरे चेहरा तेरा काला हो गया रे। तुम्हारा टमाटर की तरह लाल है, लेकिन मेरा तो काला हो गया गोवा से आने वाले, चला रहा सच में काला काला सा चेहरा लग रहा है। रेड हो गया, रेड हो गया मेरा। अच्छा, टमाटर जैसा। चलो आओ चलते हैं, जूस पीते हैं। फाइनली अभी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में जो जगह होगा वो हम आपको सेकंड पार्ट में दिखाएंगे। तो आई होप आप लोगों का वीडियो पसंद आया होगा और मज़ा भी आया होगा। तो इस वीडियो को इसी से साथ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, जो कि उसमें हम कवर करेंगे कुछ नया चीज, तो जो कि अब आपको अगले पार्ट में दिखेगा। तो चलते हैं अभी के लिए, बाय बाय, टेक केयर। कौन सी आइसक्रीम खाओगे? गोल्डन, गोल्डन खाओगे, पूजा खाओगे कि और कौन सी है?